आपके बहराइच के हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीमो नोटिस दिया है सरकार को, उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देगी, लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया उनको, गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर एक और खबर आ रही है, अगर ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है, तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है उस बॉर्डर से, अगर उनका पुराना देखेंगे, जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। इसलिए अगर ये सूचना आपके माध्यम से यहां आ रही है और नेपाल भाग गए तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं चीज बची है। अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और नेपाल गए तो उन्हें पकड़ करके लाएगी। फॉर्चूनर गाड़ी उसमें उनका लड़का सवार था, पहले कह रहे थे कि वो शामिल नहीं है, लेकिन उस फॉर्चूनर गाड़ी में पहले वो सवार था उनका। अभी वीडियोज जो आ रहे हैं, जो जानकारी ग्राउंड से मिल रही है, सभी लोग कह रहे हैं कि जो गृह राज्य मंत्री उनके बेटे इसमें शामिल थे, उन्हीं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के और साथी थे, उन्होंने इस तरह का किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है। अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनको? भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता, क्या सवाल आप पूछ रहे हो? ये सवाल तो आपको पूछना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का सब कुछ उजागर हो गया और देखा नहीं विज्ञापन आपने, दमदार सरकार। ये दमदार सरकार ताकतवर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है दमदार। न्याय के लिए लगातार लड़ती रहेगी समाजवादी पार्टी और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है और नोटिस दिए सरकार को कि क्या क्या कार्रवाई की, इसके बाद गरीबों को न्याय मिलेगा।